व्यक्त की चिंता करने वाले और समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी, आप सबके करतल ध्वनि के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। जय भीम, जय भीम। सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, प्यारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक बहुत बड़े महापुरुष के जन्मदिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर थोराट और डॉक्टर राजशेखर को बधाई देता हूं एक बार जोरदार तालियों से। उन्होंने जो अपने जीवन में बाबा साहब अंबेडकर के संदेश पे आगे चल के काम करने की कोशिश की, उसके लिए आज उनको दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राही साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो पंजाब से आए और उन्होंने अपने गीतों से हमारे अंदर एक तरह से इंस्पायर करने की कोशिश की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता नहीं थे, वो पूरी दुनिया के नेता थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एयर कंडीशन्ड कमरे के अंदर बैठ के कोई किताबें नहीं लिखी थी। वो एक ऐसे शख्स थे जो एक आम परिवार में पैदा हुए, उन्होंने छुआछूत को भुगता, अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय को भुगता और वहाँ से उनके विचार निकल के आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा स्थापित किया। आज पूरे दुनिया के लोग उनके बताए हुए रास्ते, उनके संदेश के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उनका लोहा मानते हैं। सबसे बड़ी बात मैं उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ मानता हूँ और वो है उनकी हिम्मत। उनमें अद्भुत साहस था। इतनी विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आई, कई बार हम लोगों का जो संघर्ष है, हम लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब हम लोग भी कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं। उस वक्त मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट पे जाता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर का जीवन निकाल लेते हैं और उनके जीवन के दो पन्ने पढ़ लो तो फिर इंस्पिरेशन आ जाती है, फिर ऊर्जा आ जाती है, फिर लड़ने की ताकत आ जाती है। लेकिन एक चीज है, उन्होंने जो संदेश दिए संविधान के अंदर, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, आज भी उनके सपने अधूरे हैं। आज़ादी के 67 साल के बाद भी आज भी वही बातें, सारी की सारी वही बातें आज भी हमारे समाज के अंदर, आज भी हमारी राजनीति के अंदर वही विसंगतियां कायम हैं जिनके लिए वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसके लिए वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। दोस्तों, मैं देख रहा था आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का बड़ी धूमधाम के साथ जन्मदिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग पार्टी के नेता, अलग अलग पार्टियां उनकी मूर्ति पर मालाएं चढ़ा रही हैं, बड़े अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उनको, उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश को हम कितना पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में मऊ जिले में, जहां उनका 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और वहां पर मैं उनका पूरा भाषण भी सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने भी यही कही, बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर के जो सपने थे वो सपने आज भी अधूरे हैं। लेकिन उनके सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? उनके सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए हैं।
हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी है, गोपाल राय की, कपिल मिश्रा की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के सपने अगर अधूरे हैं तो क्यों अधूरे हैं, उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को लेनी पड़ेगी। केवल हम लोगों को 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर माला पहना देने से काम नहीं चलेगा। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं, हो सकता है कुछ बातें कड़वी हो, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, इसलिए पहले से ही माफी मांग लेता हूं अगर किसी को कोई बात बुरी लगे। रोहित वेमुला नाम के एक शख्स ने हैदराबाद के अंदर आत्महत्या की। आत्महत्या करने के लिए वह बेचारा मजबूर हुआ। कौन था रोहित वेमुला? रोहित वेमुला एक गरीब और दलित परिवार से आने वाला एक सामान्य लड़का था, बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उसके घर में भी खाने को नहीं थे, कुछ नहीं था। जो स्कॉलरशिप उसको मिला करती थी, उस स्कॉलरशिप से वो अपनी माँ को पैसे भेजता था, जिससे उसके घर का गुजारा हुआ करता था। ऐसा शख्स, और वो अपनी यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे नंबर लाया करता था। ऐसे व्यक्ति को तो समाज को सराखों पे उठा लेना चाहिए, पूरे समाज को कोशिश करनी चाहिए कि दलित और गरीब परिवार से आने वाला ऐसा लड़का, अगर उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती थी कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम से उसने एक संस्था बना ली। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का प्रचार करने के लिए उसने एक संस्था बना ली। उसके अंदर उन्होंने मीटिंग करनी चालू की। वहां की लोकल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उनकी शिकायत की, यूनिवर्सिटी ने शिकायत की जांच की, शिकायत बेबुनियाद पाई गई, रोहित का कोई दोष नहीं पाया गया। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए दो मंत्रियों ने एक के बाद एक चिट्ठी लिखी हैदराबाद यूनिवर्सिटी को कि इनको सस्पेंड किया जाए। क्या जरूरत थी केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए दो मंत्रियों को लिखने की चिट्ठी? उन्होंने चिट्ठी लिखी कि इनको सस्पेंड किया जाए। पांच दलित लड़कों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे लगता है जैसे दलित ही गुनहगार थे। पांच दलित लड़कों को सस्पेंड कर दिया गया। रोहित वेमुला चिट्ठी लिखता है वीसी को, चिट्ठी की कॉपी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंटरनेट पे चल रही है। रोहित वेमुला बार बार कहता है जी मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, अगर आपने मेरे को सस्पेंड कर दिया मेरी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, मेरा परिवार लुट जाएगा, प्लीज मुझे सस्पेंड मत करो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने मंत्री। सस्पेंड करने के बाद जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं आज पूरे समाज से कि क्या मऊ जाने से और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पे माला पहना देने से बाबा साहब के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? बाबा साहब, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, जिन मंत्रियों ने रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उन मंत्रियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको सजा दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी चीज, हमें ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी होगी कि इस देश के अंदर कोई रोहित वेमुला आगे से आत्महत्या ना करने पाए, उसे आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़े। बाबा साहब अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके एक प्रोफेसर थे जॉन डेवी, मेरी प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, वो उनके बड़े, उनको बहुत मानते थे बाबा साहब अंबेडकर, जॉन डेवी साहब को। जॉन डेवी साहब का कहना था कि अगर हमें समाज से न्याय अन्याय खत्म करना है, अगर हमें समाज से गैर बराबरी खत्म करनी है, तो शिक्षा अकेली शिक्षा कर सकती है। बाबा साहब अंबेडकर को इस पे उनसे असहमति थी। बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संविधान के अंदर केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। शिक्षा तो होनी है, लेकिन केवल शिक्षा के भरोसे रह गए तो कई साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा संविधान के अंदर बराबरी का हक डालो और संवैधानिक पदों के ऊपर रहने वाले लोगों पर यह जिम्मेदारी करो कि अगर कोई बराबरी का हक ना दे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज जब रोहित वेमुला आत्महत्या करता है,
तो संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। संविधान बहुत खूबसूरत है, संविधान करिश्माई है, इससे बड़ा करिश्मा संविधान का क्या हो सकता है कि मेरे जैसा आम आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ये जितने एमएलए बैठे हैं इनमें से किसी की कोई हैसियत नहीं है, ये जितने मंच पे बैठे हैं इनकी किसी की कोई हैसियत नहीं है, हम जैसे लोग इस करिश्माई संविधान की वजह से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे बड़ा करिश्मा क्या हो सकता है। संविधान बहुत ही खूबसूरत है, संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, लेकिन आज हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, संविधान को लागू नहीं किया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने तीन शब्द दिए, बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं, जिनको प्रीएम्बल के अंदर डाला गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आजादी, बराबरी और भाईचारा। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीनों शब्दों के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, क्या एक आम आदमी इस देश के अंदर बोलने की भी आजादी रखता है? वो तय करते हैं क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। वो कहते हैं कश्मीर में है तो भारत माता की जय नहीं बोलोगे, कश्मीर के बाहर हो तो बोलोगे। अगर कश्मीर में भारत माता की जय बोल दी तो मारेंगे तुमको, और कश्मीर के बाहर तुमने भारत माता की जय बोल दी तो पीटेंगे तुमको, गला काट देंगे तुम्हारा। आज क्या इस देश के अंदर बोलने की आजादी है? नहीं है। आज क्या इस देश के अंदर बराबरी की आजादी है? नहीं है। आज क्या इस देश के अंदर भाईचारा है? क्या बाबा साहब अंबेडकर ये कहते थे कि ये बोले तो इसको मारो, ये ना बोले तो उसको मारो? वो भाईचारे की बात करते थे, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने किसी ऊंची जाति वाले लोग अगर अन्याय करते थे उनके खिलाफ भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने नफरत नहीं की, उन्होंने कभी नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने हिंसा नहीं की, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि इससे इसको लड़ाओ इससे इसको लड़ाओ। आज क्या देश के अंदर जो लोग आज माला पहना रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को, क्या वो देश के अंदर भाईचारा फैला रहे हैं? नहीं फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, ये कश्मीरी है, ये नॉन कश्मीरी है, ये जेएनयू वाला है, ये नॉन जेएनयू वाला है। अभी तक इस देश के अंदर हम देखते थे धर्म के नाम पे तो उन्होंने लड़ाया, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाया, हिंदुओं को क्रिश्चियन से लड़ाया, इस जात के लोगों को उस जात से लड़ाया। ये पहली बार हो रहा है जब ये हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। ये हिंदू भारत माता की जय बोलता है, ये हिंदू भारत माता की जय नहीं बोलता, इसको मारो इसको पकड़ो। लोग खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं इसका गला काट देंगे, इसको पाकिस्तान भेज देंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है? नहीं कहता। ये बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है। ऐसे 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर माला पहनाने का ढोंग मत कीजिए ऐसे लोग। बाबा साहब अंबेडकर आप सब लोग जानते हैं उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया। ऐसे वक्त आज तो फिर भी आज भी महिलाओं की स्थिति हमारे देश के अंदर अच्छी नहीं है, लेकिन उस वक्त सोचिए बाबा साहब अंबेडकर 1891 में उनका जन्म हुआ, जब महिलाएं घर के अंदर रहने के लिए मजबूर होती थी, बाल विवाह था, बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। लेकिन आज कौन लोग माला पहना रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को? जो लोग आज बाबा साहब अंबेडकर को माला पहना रहे वो ट्विटर के ऊपर आके लड़कियों को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो लोग जाके बाबा साहब अंबेडकर को माला पहना रहे हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है, ऐसे हर समाज के अंदर इस किस्म के गलत लोग होते हैं, दुख तब होता है जब इस किस्म की गंदी, और किस किस को दे रहे हैं? एक टीवी चैनल की बहुत बड़ी पत्रकार है जिसका रोज आप टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, उसको फोन कर करके गाली दी जा रही है, तू बाहर निकल तेरा ये कर देंगे। उसको ट्विटर के ऊपर गालियां दी जा रही है, एक दिन मिली मेरे को 3-4 दिन पहले, और वो बड़ी नर्वस हो रही थी कि मैं अब सुरक्षित हूं कि नहीं हूं, इतने बड़े 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 पत्रकारों को गालियां दी जा रही है। लेकिन दुख ये होता है कि जो लोग गालियां दे रहे हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? इनको कहां से इतनी, उनको कहां से ये एनकरेजमेंट मिल रहा है, कहां से ये साहस मिल रहा है कि वो इतने बड़े बड़े पत्रकारों को गाली दे सके? साहस मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनको फॉलो कर रहे हैं,
उनको प्रधानमंत्री आवास पे बिठा बुला के उनके साथ फोटो खींची जाती है, वो फोटो ट्विटर के ऊपर है। ऐसे लोग गालियां देते हैं। मुझे लगता है आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते वो हाथ जोड़ के कहते मेरी तस्वीर पे माला मत पहनाओ, महिलाओं की इज्जत करना सीखो। विजयदशमी के दिन हम सब लोग जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। विजयदशमी के दिन नागपुर के अंदर दो घटनाएं घटती हैं हर साल। आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर शस्त्र पूजा होती है और नागपुर के अंदर भारी तादाद में पूरे देश से दलित समाज से लोग इकट्ठे होते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं जिस दिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। और दो साल से मात्र चंद लोग जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं उसका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट करता है, लेकिन लाखों दलित जो बाहर मैदान के अंदर नागपुर के अंदर इकट्ठे होते हैं अपने बाबा साहब अंबेडकर को याद करने के लिए उनका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट नहीं करता है। अभी आप सबने एनसीईआरटी सुना होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, उसकी जो राष्ट्रीय परिषद है, उस राष्ट्रीय परिषद के जो चेयरमैन है वो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर होती हैं, स्मृति ईरानी जी उसकी चेयरपर्सन है, और उसके जो मेंबर होते हैं वो देश के जितने राज्य हैं हर राज्य का शिक्षा मंत्री उसका मेंबर होता है। अभी पिछले हफ्ते उनकी मीटिंग हुई, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, इनको वहां जाने का मौका मिला, ये वहां गए और लौटने के बाद ये पूरा किस्सा मुझे बता रहे थे कि उस मीटिंग में क्या हुआ। एनसीईआरटी की मीटिंग में इन्होंने बताया पांच मिनट, पहले पांच मिनट में जो उनका फॉर्मल एजेंडा था वो पूरा कर लिया और उसके बाद चर्चा शुरू हुई, उसमें कई बीजेपी शासित राज्यों के भी शिक्षा मंत्री थे। चर्चा शुरू हुई कि सावरकर को स्कूलों के सिलेबस में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए। मनीष ने उसका विरोध किया, आधा घंटा पौना घंटा इसकी चर्चा चली कि सावरकर को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जब मनीष ने विरोध किया उनको लगा बाहर बात फैल जाएगी, तो स्मृति जी कहते हैं नहीं नहीं इसको बात को यहीं खत्म करते हैं, हम नई शिक्षा नीति बना रहे हैं उसमें डाल देंगे, इसको बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं आज मनीष सिसोदिया से अपील करना चाहता हूं, उन लोगों को सावरकर पढ़ाने दो, आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अंबेडकर साहब को पढ़ाइए। बाबा साहब के जीवन, बाबा साहब के जीवन और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संदेश, इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलेबस तैयार किए और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर वो खुद छुआछूत का शिकार हुए थे, उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय बर्दाश्त किया था, इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि यह समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्त किया, सदियों से उन्होंने छुआछूत बर्दाश्त किया है, अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम रिजर्वेशन के पक्ष में है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव हार जाए तो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए, चुनाव हार जाए तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो, सारा देश देख रहा है इसको। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है।
आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी, और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संविधान दिया है। इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे। आज इन्होंने संविधान के परखच्चे उड़ा रखे हैं। इन्होंने अरुणाचल के प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ दी, खरीद लिए, सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो ये नहीं कहता। बाबा साहब अंबेडकर संविधान कहता है चुनाव लड़ो, जीत के आओ। चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची। अब सरकारें तोड़ेंगे, सरकारें गिराएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ दी, उत्तराखंड की सरकार तोड़ दी, अब कह रहे हैं दिल्ली के 21 MLA बर्खास्त करेंगे। कर लो बर्खास्त, आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ते हैं। हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ते हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तुम ये बैकडोर एंट्री करना बंद करो, ये देश की जनता परमानेंटली तुम्हें डिसमिस कर देगी। दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि चुनाव होंगे, लोग चुन के आएंगे, जनतंत्र है। उस जनतंत्र के हिसाब से विधानसभा बनती है, उसी चुनाव उसके हिसाब से कैबिनेट बनती है, और वो जनता की मर्जी के हिसाब से अपना काम करते हैं। पिछले एक साल से आप देख रहे हो किस तरह से ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, LG की पावर है, केंद्र की पावर है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये नहीं लिखा संविधान के अंदर, उन्होंने तो लिखा है जनतंत्र होगा। ये कहते नहीं जनतंत्र नहीं होगा, कैबिनेट की कोई पावर नहीं है। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर किसानों के लिए कितना लड़े। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, किसानों को जमीनों का मुआवजा पहले मिलता था 53 लाख रुपए प्रति एकड़। 53 लाख रुपए में भाई साहब दिल्ली में कहीं जमीन नहीं मिलती। सारे किसान दुखी थे, कहते थे और औने पौने दाम में सरकार हमारी जमीन लेके बिल्डरों को दे देती है। हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों का 53 लाख रुपए से 3 करोड़ कर दिया मुआवजा, 6 गुना कर दिया। किसानों को भी यकीन नहीं हुआ, किसानों को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। अगले दिन किसान आए, हमने आदेश पारित किया कि 53 लाख रुपए से 3 करोड़ मुआवजा किया जाता है। किसान आए, बड़ी बधाई देने लगे, और अगले दिन उन्होंने हमारा आदेश खारिज, LG साहब ने पारित किया, मैं मुख्यमंत्री के आदेश को खारिज करता हूं। ये तो नहीं लिखा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अंदर। संविधान ये नहीं कहता कि चुनी हुई सरकार जो काम करेगी उसके अंदर ये अड़चन अड़ाएंगे। हमने आपको सबको बताया मिड डे मील के अंदर कितना घोटाला है। उस घोटाले को दूर करने के लिए मनीष सिसोदिया ने फाइल भेजी, उस फाइल को उन्होंने डिसमिस कर दिया, कहते हैं मिड डे मील को ठीक नहीं करने देंगे। ये प्राइवेट स्कूल कितनी धोखाधड़ी कर रहे हैं उसके ऊपर हम लगे हुए इन प्राइवेट स्कूलों को ठीक करने के लिए। उसके लिए हमने पूरी विधानसभा ने बैठ के, इन सारे MLAs ने बैठ के विधानसभा के अंदर चर्चा करी और एक कानून पास किया कि प्राइवेट स्कूलों के सारे अकाउंट्स को चेकिंग करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने कानून पास किया, उस कानून को इन्होंने लेके बैठ गए, उस कानून को भी इन्होंने पास नहीं होने दिया। दिल्ली के अंदर कई मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, मिनिमम वेज नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? कानून में जाके देखो कि अगर कोई मिनिमम वेज नहीं देता उसके ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी है भाई साहब, 500 या 1000 रुपए की पेनल्टी है बस। अब 1000 रुपए की पेनल्टी है तो कोई क्यों न्यूनतम मजदूर? हमने उसके अंदर प्रावधान किया, पेनल्टी को बढ़ाया, जेल की सजा बर्ब का प्रावधान किया, उस कानून को ये लोग बैठ गए, उसको भी। मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि एक चुनी हुई सरकार है दिल्ली के अंदर, उस चुनी हुई सरकार को ये काम नहीं करने देते जो जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, जिसको ऐतिहासिक मैंडेट मिला है, जिसमें जिसको 70 में से 67 सीट मिली है, जिसमें इनकी पार्टी का सफाया हो चुका है, उसके बावजूद भी इस सरकार को काम नहीं करने देते। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं लिखा दोस्तों। तो ये मैं आज सवेरे से TV देख रहा था, होड़ लगी हुई है पार्टियों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को माला पहनाने की।
क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको दलितों के वोट चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, वोटों के लिए कर रहे हैं। अगर असली में इनके दिल में कुछ श्रद्धा होती बाबा साहब के लिए तो संविधान फॉलो करते, वोटों के लिए कर रहे हैं। इनको क्या लगता है दलित मूर्ख हैं? दलित नहीं देख रहे कि ये क्या कर क्या रहे हैं? कथनी और करनी में कितना फर्क है। मुंह पे बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, अंदर जाके संविधान का गला घोटते हैं। तो दलित आपको वोट नहीं देने वाले अगर आप अपनी हरकतें नहीं सुधारोगे तो। आम आदमी पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। आज हमारे घोर विरोधी, जितने घोर विरोधी हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सबसे बड़ी शिकायत है आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है जी। हाँ हाँ, मैं गरीबों की पार्टी, बड़ा फक्र होता है मेरे को कहते हुए। हम गरीबों की पार्टी हैं, हम दलितों की पार्टी हैं, हम पिछड़ों की पार्टी हैं। हाँ, हम हैं गरीबों की पार्टी। तुम भी बनो ना, तुम कुछ करो गरीबों के लिए। ये कुछ करेंगे नहीं कहते, गरीबों की पार्टी है, हमें बड़ा फक्र है। और सबसे बड़ी, हमारे में 100 कमियां हो सकती है, मैं मानता हूँ 100 कमियां हमारे अंदर हो सकती है, लेकिन नीयत साफ है, कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान आत्मा थे, हम उनके जितना तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, उस दिशा के अंदर तो जा सकते हैं, वो तो कर ही रहे हैं कम से कम हम लोग। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा के ऊपर दिया था। जितना काम आज शिक्षा के ऊपर, वो भी गरीबों की शिक्षा पे, सरकारी स्कूलों को जितना दिल्ली सरकार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज तक भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना शिक्षा के ऊपर जोर दिया था। मैं पूरी विनम्रता के साथ आज बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री जी से 3-4 बातों की अपील करना चाहता हूं। और मुझे लगता है पूरे देश की श्रद्धांजलि होगी अगर प्रधानमंत्री जी इन बातों को मान लें तो। पहली चीज, जो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियों को, लोगों को, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं प्रधानमंत्री जी, उनको अनफॉलो कर दें, उनको छोड़ दें, ट्विटर के ऊपर फॉलो करना बंद कर दें। दूसरा, रोहित वेमुला के लिए जो दोनों मंत्री जिम्मेदार हैं, उन दोनों मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उसको, रोहित वेमुला को न्याय दिलवाया जाए। तीसरा, सरकारों को तोड़ना बंद कीजिए, चुनाव लड़िए, जीत के आइए और ईमानदारी से 5 साल सरकार चलाइए। ये सरकार तोड़ तोड़ के बैकडोर से एंट्री करना ठीक नहीं है। चौथा, दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए। दिल्ली की जनता बड़ी खुश है दिल्ली सरकार से। और पांचवा, ये जो इन कुछ लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है देश के अंदर, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो मारेंगे, पीटेंगे, ये खाओगे तो मारेंगे, वो नहीं खाओगे तो पीटेंगे, अगर कोई आगे से ऐसा करने की हिम्मत करता है, सीधा उसको जेल भेजिए, ये बंद कीजिए ये गुंडागर्दी जो इस देश के अंदर चल रही है। दोस्तों, फिर से आप सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग भी जब यहाँ से जाएँ, ये कसम खा के जाएं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम।